देश के कोने कोने से जुड़े सभी समर संघ के सम्मानित भाई बहनों साथियों को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी साथी जुड़े और हम लोगों का हौसला आप लोगों ने अफजाई किया, इसके लिए दिल से सभी को साधुवाद। आज समर संघ की चिकित्सक घटक की विशेष मीटिंग में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में हमारे देश की जो हालात है, हमारे बिखरे समाज होने की वजह से हो रही है, और ये जो हमारे देश में वर्तमान परिवेश में जो हमारे बीच में 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो 6,743 जातियों को तीन पोटली में बात करके इकट्ठा किया था, यानी SC ST OBC, उन पोटलियों को हमारे ही समण भाई लोगों ने फिर से खोल करके और जाति आधारित संगठन बना करके समाज को बिखेरने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी होते हुए भी हम लोग असहाय और बिल्कुल बेबस की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसी बेबस स्थिति से उभरने के लिए, निपटने के लिए हमारे समर संघ के कुछ सम्मानित साथियों ने अपने प्रयास से, जो हमारे महापुरुषों में सबसे विशिष्ट जो हमारे महापुरुष रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध, जिनको बाबा साहब भी गुरु के रूप में आदर किया करते थे, उनके पहले से भी ये संघ की परिकल्पना चली आ रही थी, लेकिन कुछ अपना हम लोग दुर्भाग्य समझे या लोगों की, इस देश में मुट्ठी भर लोगों की साजिश के तहत उस संघ की परिकल्पना को हमारे मनुवादी मानसिकता के लोगों ने चुरा लिया और हमको धर्म के धंधे में उलझा करके बांटने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने ये विचार किया कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी सारी चीजों को समझ लेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षित होने के बाद भी हम लोग चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने कुछ अनावश्यक आधारहीन चीजों में उलझ करके समाज को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इसी मिशन को, इसी मुहिम को समर संघ एक सही दिशा में समाज को लाने के लिए SC ST OBC यानी इस देश के समर भाइयों को एक मंच पे एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। इसमें आप सभी भाई बहनों का स्वागत है और इस मुहिम में आप सभी का इंतजार है कि आप आए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें ताकि भविष्य में किसी दूसरे का पैर पकड़ने की जरूरत न पड़े। तो आप सभी का स्वागत है, आप आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर आर्य स्वामी लखनऊ से बोल रहा हूँ और मुझे आज इस समर संघ की चिकित्सक विशेष घटक की मीटिंग में मुझे एंकरिंग का जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में साथी भाई बहन है वो अपना हैंड रेज कर दें। अगर हैंड रेज करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत हो रही है तो आप स्वतः अपना परिचय दे सकते हैं। आप सभी के सादर परिचय का हम सभी को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। आप आइए, अपना परिचय दीजिए और हम सभी के हौसला को बढ़ाइए। रघुराज सिंह का हैंड रेज है, उनको आप बुला लीजिए। जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। मेरे को बुलाया, मैं अजय जलवान न्यूयॉर्क से सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज 11 महीने से ऊपर हो गए हैं हम लोग ये लगातार ये प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पास। जहाँ तक मैं अपनी समस्या को समझ रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ पे हम लोग इकट्ठा हो पाते और अपने विचारों को रख पाते। यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने विचार रख सकते हैं, अपना बोलने का तरीका सीख सकते हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देश में रहा था और विदेश में भी रह रहा हूँ, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी समाज के लोग बोलते नहीं है, या बोलते हैं तो उनको आवाज नहीं है।
यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम सभी लोग बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, तभी हम आगे कुछ कह पाएंगे या विचार कर पाएंगे। और अक्सर देखने में ये आता है कि हम आपस में ही बड़े जो है अहम और ईगो के साथ जो है आपस में ही टकरा जाते हैं, तो वो उसका समाधान भी ये एक प्लेटफॉर्म है। और जहाँ तक आप सभी लोग हैं, आप काफी जानकार लोग हैं, धीरे धीरे जब ये समाज में रोज रहेगा, हर हर दिन जो है ये बात होगी, तो ये जरूर ही जो है इफेक्ट लाएगा, ना ही समाज में, मैं अपने जीवन में भी मेरा बहुत बदलाव मैं देख रहा हूँ कि पहले इतनी जानकारी नहीं थी कि वो हमारे तीन रत्न क्या होते हैं, पंचशील क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, या मंगल सूत्र क्या होता है। तो जो मंगल सूत्र है, तो धीरे धीरे जैसे ये जानकारियां मिल रही हैं, वैसे ही हम अपने अंदर रोज रियाज करते हैं, सीखते हैं कि कम से कम दिन में एक बार तो अपने तीन जो है रत्नों को याद कर लें, अपने पंचशील मार्ग को याद कर लें। उसी से जितने भी जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, खासकर जो, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से आता हूं, तो एक जो है एडिक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का तोड़ कहीं नहीं मिलता, सिर्फ ये जो टीचिंग्स हैं और जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वही तोड़ है कि आप ये जो है पंचशील के मार्ग के ऊपर चलें और जो है इसको तीन रत्नों को याद रखें। तो ज्यादा से ज्यादा जो थेरेपी होती है, जो मेरे ख्याल से तो ये काफी कुछ इन्हीं बातों के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तो एक तरह से सोचें तो आपको यहाँ पे बैठे बैठे फ्री में हजारों लाखों की थेरेपी मिलती है। तो इसी इसी बात के साथ मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है बाबा साहब का और समाज को जो है इलाज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि लोग कभी मंदिर में ढूंढते हैं रास्ता, कभी कहीं और ढूंढते हैं रास्ता। अगर सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और इसी में काम लगा लें, तो गारंटी देते हैं कि 50% लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन और जितनी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, उनका इलाज सिर्फ यहाँ पे आने से ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी साथियों को। हाँ जी, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। तीन रत्न क्या है सर? बहुत बहुत साधुवाद भाई ने ये पूछा कि वो तीन रत्न क्या है। हाँ जी सर, तो अब धीरे धीरे जो है देखे, मैं भी यहीं पे से सीख रहा हूँ काफी सारी चीजें। तो तीन रत्न वो है जो मेरी समझ में आ रहा है, जो हर समस्या का समाधान है, हर जो परेशानी है, हर दिक्कत जो हमारी है, जो बुद्ध ने हमें दी है, वो तीन रत्न दिए हैं, वो हमारी हर बीमारी का इलाज है, और वो बुद्ध ने दिए थे, और वही जो तीन रत्न जो है बाबा साहब ने हमें बताए। हाँ जी, तो वो तीन रत्न जो जो बुद्ध ने दिए थे और वही तीन रत्न जो बाबा साहब ने बताए, तो वो अगर हम सिर्फ याद रखें तो हमारा जो है काफी कुछ सुधार जाता है। तो तीन रत्न जो बुद्ध ने दिए थे वो था बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण की शरण में जाओ मतलब दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो मतलब
कि किसी भी बात को सुनो तो उससे पहले, उसको मानने से पहले उसको क्वेश्चन करो कि ये सही है या गलत है। तो वही है बुद्धम शरणम गच्छामि, और वही बी आर अम्बेडकर जो बाबा साहब ने कहा था कि जी एजिटेट, तो एजिटेट आप कैसे होते हैं? एजिटेट तभी होते हो जब आप किसी चीज को सवाल करते हो, तो वो एक ही मतलब है, बुद्ध की शरण में जाओ या एजिटेट हो जाओ। दूसरा है जो उन्होंने बताया, बुद्ध ने बताया धम्मम शरणम गच्छामि, कि धम्म, धम्म की शरण में जाओ, यानी कि धर्म को फॉलो करो। धर्म, अच्छा धर्म क्या है? धर्म जी कुछ नहीं है, धर्म बेसिकली नेचर है, नेचर के जो लॉज है, जो बायोलॉजी है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो जो नेचुरल लॉज है, ग्रेविटी है, उसको जानो, धम्म को जानो। तो वही बाबा साहब ने कहा कि एजुकेट हो जाओ, कि एजुकेट योरसेल्फ, कि आप धम्म को समझो, नेचुरल लॉज को समझो, उनके विपरीत आप कुछ भी करोगे, जो है नेचर के विपरीत आप कुछ भी करो नुकसान ही करोगे अपना। तो नेचर को फॉलो करो, आपका शरीर सही रहेगा, आपका मन सही रहेगा, हर चीज सही रहेगी। नेचर के विपरीत करोगे काम तो दुखी हो जाओगे। और तीसरा जो उन्होंने कहा था, जो बुद्ध ने कहा था, वो कहा था कि संघ, संघ की शरण में जाओ। तो संघ की शरण में मतलब है जिन लोगों का जो है अपना बुद्ध का जो है दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, या जो इन लॉज को जानते हैं, उनके संग में रहो। वही बाबा साहब ने कहा कि ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। तो वो तीन रतन हैं, वो हमारे हर बीमारी का, हर समस्या का, अपनी पर्सनल और समाज की सभी बीमारियों का इलाज है। तो यही वो तीन रतन है, और इसी तीन रतन को जब हम बैठते हैं मेडिटेट करते हैं, तो वो ओम जो होता है, ओम ओम जो कहते हैं, ओंकार जो हाथी की जो आवाज होती है, उसको ओंकार होता है, और जो वो त्रिशूल है, वो त्रिशूल से वो तीन आपके तीन रतन है ओम, जो बैठ बैठ के ओम जो ओम करते हैं। तो अगर उन चीजों को समझे हम, तो इन सब चीजों में गहन जो है नॉलेज है, तो वही धीरे धीरे सीखते हैं और समझते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी साथियों साधुवाद। डॉक्टर अजय जलवान सर, बहुत बहुत साधुवाद, आप न्यूयॉर्क से जुड़े। डॉक्टर धन्यवाद अजय जलवान सर। जी जी सर, इसके बाद हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर बीरेंद्र सिंह सर। इसके पहले मैं, चूंकि हमारे प्रिय डॉक्टर जलवान सर न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं दो लाइनें सुना देना चाहता हूं। जलवान सर सुनाओ। जी सर इरशाद सर। हम भी जुड़ेंगे आप भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे आप भी जुड़ेंगे, देश से भी जुड़ेंगे विदेश से भी जुड़ेंगे, देश से भी जुड़ेंगे विदेश से भी जुड़ेंगे, लंदन से भी जुड़ेंगे न्यूयॉर्क से भी जुड़ेंगे, लंदन से भी जुड़ेंगे न्यूयॉर्क से भी जुड़ेंगे, कुछ दिनों के लिए चाहे हम भटक लें, कुछ दिनों के लिए चाहे हम भटक लें, एक दिन वो जरूर आएगा जब हम सभी समर संघ से जुड़ेंगे, एक दिन वो जरूर आएगा जब हम सभी समर संघ से जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये हमारे बीच में डॉक्टर बीरेंद्र सिंह सर हैं। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह सर, बहुत साधुवाद सर। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह सर, आपका मोस्ट वेलकम सर, आइए, कॉन्सेप्ट को रखिए सर। तो बाहर है सर, लगाइए ताला, कुंडी लगा सर, ये डिस्टरबेंस हो रहा है, इनके माइक बंद कर दो सर। हाँ, जो भी साथी जिनका माइक ओपन है वो कृपया माइक बंद कर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। कंसेप्ट तो वही है जो अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत डिटेल में बताया। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बार बार हर बार कंसेप्ट आता है हमारे, हम लोग वक्ता
जिसको राज देताओं वाला भाषण वाषण तो होता नहीं। एसपी प्रहलाद साहब ने एक बार कहा था अपने कंसेप्ट में कि कंसेप्ट तो वही है दो लाइन का, जुड़ना और जोड़ना, लेकिन किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से समझाया जाए या उसके क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आज चिकित्सक विशेष दिन है तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सक का संदर्भ लेके हम बात करें। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लाइव मेंबर हूँ, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज का लाइव मेंबर हूँ और इनमें मैंने अभी तक जो देखा कि ये हैं तो संगठन, लेकिन समर लोगों ने उस संगठन में रह के भी कुछ नहीं सीखा और बाकी लोगों ने संगठन में अपने आप को संघ के रूप में इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि सिर्फ समर लोग उन संगठन से कुछ ना निकाल पाए सिवा नुकसान के, और बमण लोग उन्हीं संगठनों में से अपने आप को अच्छी पोजीशन में ला पाए। ये मैं चिकित्सक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ विशेष तौर से, क्योंकि चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, तो वजह होनी चाहिए। क्या वजह है कि हमको इसका विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी है कि क्या वजह है। यह हालांकि सभी पर लागू होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक डॉक्टर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में, जब मैं 90 में यहाँ आया था उस समय वो फाइनल एमबीबीएस में था, मेहनत की, समर्थ थे वो, मेहनत की, यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर्जरी में और आगे चल के एमसीएच किया, पीजीआई में गए, धीरे धीरे करके बहुत सारे अच्छे पदों पर रहे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और किसी की क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है। वो विभिन्न पदों पर रहे, बहुत अच्छे पदों पर रहे, लेकिन संघ से न जुड़ पाए, संघ के रूप में काम न कर पाए। संघ शब्द, समर संघ तो अभी हम लोग 11-12 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन संघ की जो सोच है वो तो शुरू से होती है। हम लोग, हमारे साथी डॉक्टर अमित सिंगला हैं, डॉक्टर यूवी सिंह और भी लोग हैं, हम लोग हमेशा संघ के रूप में रहे। जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ वो अच्छे पद पर रहे, लेकिन उनमें एक ये सोच इकट्ठा होने की डेवलप ना हो पाई और कभी किसी की हेल्प के नाम पर जीरो रहे। इसके लिए मैं स्वयं भी एक अपने चिकित्सक साथी के लिए, क्योंकि हमसे बहुत पूर्व परिचित हैं वो, उनके लिए मैंने कहा था, उनसे बात भी की थी, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे पद पर हैं, पीजीआई में थे और उनको दो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पर रखा गया। आप ताज्जुब करेंगे कि दोनों बार उनको अपमानित करके वहां से निकाला गया, दोनों दफा। और उस अपमान का ये हुआ कि वो बीमार जैसे हो गए, कुंठित हो गए और उस कुंठा की वजह से उनको तमाम तरह की बीमारियां हुई, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी उनको हुई है वो हुई माइक पकड़ने की। जहां भी मौका मिला आम आदमियों के बीच में वो जाके माइक पकड़ लिया और अपने आप को साबित करते रहे कि हम गलत नहीं थे, हम आपके साथ हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो क्यों अपमानित हुए, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेले खड़े थे।
डॉक्टर हैं ठीक है, ये मैं सिर्फ डॉक्टर की बात एक एग्जांपल दिया, ये हर वर्ग में है कि वो कहां से कहां पहुंचे, बाबा साहब की वजह से कहां पहुंचे, उसी कंसेप्ट को रटते रटते पहुंचे, भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ते हुए पहुंचे, विनय पिटक के नियमों का शील को सबको पालन करते हुए पहुंचे, लेकिन वो जुड़ ना सके, अहम अहम में आ गए, संघ के रूप में कार्य नहीं किया, अकेले पड़ गए, और वो इस तरीके से जब अपमानित हुए तो इतने कुंठित हुए कि वो अपनी कुंठा की वजह से तमाम बीमारियों से ग्रसित हुए। ये मैंने डॉक्टर क्या नाम सुधीर सर को भी बताया था, उनको दिखाया था कि ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो क्यों अकेले पड़ गए, जब आवश्यकता थी उनको सपोर्ट करने की कोई नहीं था और वो पीछे हो गए, क्योंकि वहां पर वो संघ के रूप में कभी काम नहीं किया, इकट्ठा होने के विषय में कभी नहीं सोचा। आज हम विशेष तौर से कंसेप्ट के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंसेप्ट को डॉक्टर यूवी सिंह ने जो थ्योरी है, थ्योरी हमारे पास बहुत है, बाबा साहब की थ्योरी है, हमारे महापुरुषों की थ्योरी है, और थ्योरी यहाँ पढ़ते पढ़ते सभी जो है ना रट लिए। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि सारी गाथाओं को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसी एक पर अमल कर लो तो बहुत कुछ है। तो कंसेप्ट तो सिर्फ जुड़ना और जोड़ना है, लेकिन कैसे हमारे मन के अंदर एक भी चीज, जैसे मैंने आज सिर्फ अहम अहम की बात की, अहंकार की बात की, हम अपने संघ में, हम अपने समण लोग एक साथ रहने के नाम पर सिर्फ बयानबाजी भाषणबाजी करते हैं लेकिन कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। ये एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन कि मित्रों समण संघ में बात करने से और इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंसेप्ट सुनने से या कंसेप्ट रटने से कुछ नहीं होगा, अमल करने की चीज है। हमारे यहाँ ढोंग और दिखावा बेहद प्रिवलेंट है, उससे बचना चाहिए। कंसेप्ट का एक अक्षर भी हम अगर फॉलो कर लेंगे तो समझो कि हमने बहुत कुछ किया। सिर्फ दो चीजें ही है कि जुड़ना और जोड़ना, सिर्फ एक चीज, बस सब लोग इकट्ठे हो जाओ, बाकी जो उसके रिजल्ट्स हैं वो तो अपने आप आएंगे। तो समय भी हो रहा है, मेरे ख्याल से 10 के ऊपर हो रहा है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है और हर रोज बहुत विस्तृत में बताया भी जाता है। हमारी सबसे ये अनुरोध है, अपील है कि संगठन नहीं बनाओ, संघ में आ जाओ। संगठन में लोग संघ को ढूंढ लेते हैं, वमन लोग, और हम संघ में संगठन ढूंढ रहे हैं, कितनी खराब चीज है। संघ में सिर्फ संघ इकट्ठे रहिए, संघ के रूप में रहिए, संघ में संगठन मत ढूंढिए, संगठन में से संघ ढूंढ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, सभी लोग इकट्ठे हैं, जुड़े हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। इसके बाद हम लोग एंड्रेज ले लेते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर केएन सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर आप आज पहली बार जुड़े हैं, सर कॉन्सेप्ट सुन के कैसा लग रहा है सर? डॉक्टर केएन सिंह सर सर आपका अपना माइक ओपन कर दीजिए। डॉक्टर केएन सिंह सर अपना माइक ओपन करें।
डॉक्टर के एन सिंह सर आपका माइक क्लोज है, ओपन करिए उसको। ठीक है, तब तक हरेंद्र जी ले लेते हैं। डॉक्टर के एन सिंह सर आपका माइक बंद है, अगर खोल सकते हैं तो खोलें, नहीं तो फिर बाद में बात करते हैं। ये सुरेश द्रविड सर का हैंड रेज है, सुरेश द्रविड, सुरेश द्रविड सर, सुखदेव सिंह सर, हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जो भी साथी जिनका हैंड रेज है कृपया ध्यान दें, आपको पुकारा जा रहा है, हैंड रेज करके इधर उधर ना जाएं, इसे समय जया होता है। तो जो भी साथी हमारे हैंड रेज किए हैं वो कृपया अपना अटेंशन इधर रखें ताकि समय से बात किया जा सके। सुरेश द्रवि सर जी, आपको हम लोग देख पा रहे हैं, अपना माइक ओपन करें और बोलें सर। सुरेश द्रवि सर अपना माइक ओपन करिए, सुरेश द्रवि सर अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट करने में शायद दिक्कत हो रही है सुरेश सर को। सुरेश सर आपका माइक बंद है जी। हाँ हाँ खोलिए खोलिए जी, बोलिए। हाँ सर, सर मैं कुछ सवाल पूछने आया था, लेकिन आज शायद मुझे लग रहा डॉक्टरों की मीटिंग है, और सुधीर राज सिंह से मेरी बात हुई थी कि वो बोला ऑनलाइन आ जाना, मैं उनके साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहता था। हाँ बिल्कुल सर, बात करिए। सुरेश द्रविड सर आपका माइक खोलने में काफी दिक्कत हो रही थी, आपने लॉक लगा दिया था क्या उसपे? नहीं लॉक नहीं लगाया था, वो आपकी तरफ से शायद कुछ ऐसा था और उसके बाद वो ऑन हुआ। हाँ कोई बात नहीं सर, अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करें सर, अगर कोई सवाल हो तो 10 ये अभी 0 आवर होगा उसके बाद ले लेंगे। मैं उनसे ही बात करना चाहता था, उनसे ही मेरे सवाल थे, आप लोगों से कोई सवाल नहीं है। जी जी सर, तो थोड़ी देर बाद लेते हैं सर। ठीक है सर, सुखदेव सिंह सर, सुखदेव सिंह सर आपका हैंड रेज है, सुखदेव सिंह सर, ये शेरा राम चौहान सर। हाँ शेरा राम चौहान सर, ये ऐसा तो नहीं कि माइक बंद है। सुखदेव सिंह सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए। शेरा राम सर आपका हैंड रेज है, संजय सिंह सर, संजय सिंह लोनिया। हाँ सर नमो बुद्धाय सर, सर सुन पा रहे हैं सर? नमो बुद्धाय सर, संजय लोनिया बोल रहा हूँ केरला से। हाँ हाँ जी जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर मैं बस दो बात छोटी सी बात कहना चाहता था। एक बात तो सर हमारे कोरोना कॉल के काल के टाइम समय में जितने भी हमारे डॉक्टर भाई बहनों ने, हाँ जितने भी हमारे भाई बहनों ने जो सेवा करी है, अच्छा अच्छा ठीक सर ठीक है, उसका उसका तो कोई तोड़ नहीं है। और मैं एक नहीं इसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहता था सर कि आप देखिए सर, हमारे जो भाई बहन है वो ज्यादातर लोग हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में है, और उन भाई बहनों ने फ्रंट फुट पे आके, जबकि उनका कहीं से का नाम नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव हैं जो डॉक्टर्स हैं और जो फ्रंट फील्ड में जो काम किया है सर, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। उनको गवर्नमेंट ने सामने कर दिया, भेड़ बकरी की तरह निकाल के रख दिया, और प्राइवेट वाले जितने भी थे सब अंदर अंडरग्राउंड हो गए थे। तो मैं उन भाई बहनों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जो कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही सर एक मानव को, जैसे हमारे बौद्ध बोलते हैं मानव करुणा, ये सब तो इस सबके बड़े वाले एग्जाम्पल है, जीते जाते एग्जाम्पल है, उनको नमन। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं सर, एक थीटा जो एंगल होता है 10 थीटा में, अगर जितने इंजीनियर्स हैं वो जानते होंगे 10 थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो थीटा एंगल कितना भी छोटा हो लेकिन आप जब उसको आगे बढ़ाते चले जाओगे तो एक वो बहुत ही डिफरेंस कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भाई बहन सोचते हैं कि हमारे एक बंदे से क्या होगा, मैं वही कहना चाहता हूँ सर, एक बंदा थोड़ा सा भी एक हलचल बचाता है तो एक लॉन्ग डिस्टेंस को एक बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज करता है। तो मेरे भाई बहनों से मैं ये कहता हूँ सर, जोड़िए जुड़िए, और इस संघ में मैं खुद अपने आपको बदनसीब सोचता हूँ कि 1 साल होने को है और मैं अभी बस 2 ही महीने में जुड़ पाया हूँ, लेकिन 2 महीने में मैंने जो सीखा है मैंने काफी लोगों को मैंने मोटिवेट कर रहा हूँ और काफी लोग इससे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है सर।
और आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद ये डॉक्टर के एन सिंह सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका हैंडवेज है। नमो बुद्धाय, धन्यवाद जी, आपने मुझे मौका दिया। सर मौका नहीं दिया, मैं तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। लेकिन वो एक्चुअल में अनम्यूट नहीं हो रहा था, आपकी तरफ से म्यूट था, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस आज पहली बार मैं मीटिंग में शामिल हुआ, और इसका जो सौभाग्य है वो हमारी सिस्टर हैं बालाजी करके हैं, वो टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कुछ मीटिंग होती है और उसमें जो है आप ज्वाइन कीजिए, और आज स्पेशली डॉक्टर्स लोगों की मीटिंग है, तो बहुत अच्छा। मुझे ये लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जो है, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम जूम के माध्यम से, मतलब घर में बैठे हुए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक विचार आपस में शेयर कर सकते हैं। और जो सर ने कहा, उदयवीर सर ने, कि एक टीचिंग प्रोसेस जैसा है, तो हम जो है बोलना सीख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर। और जो भी कंसेप्ट जैसा सर ने बताया, उदयवीर सिंह सर ने, डॉक्टर उदयवीर सिंह सर ने, तो वहां पे यही कि समानता का ही कंसेप्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। और मतलब जुड़ना 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 है, लोगों को जोड़ना, उनके विचारों को जानना, उनको प्रोत्साहित करना, यही इसमें एक। और जो लोगों की समस्याएं हैं, अभी तो खैर इस तरह की समस्याओं का यहाँ पे शायद उतना ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं देखा, लेकिन सभी जगह सब किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है किसी के साथ, तो उसको शेयर करके हम उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका निदान कैसे कर सकते हैं, ये सब की व्यवस्था की जा सकती है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें 5 फैकल्टी हैं, और 5 फैकल्टी में हम 3 अंबेडकरवादी हैं, उसमें 5 में से 3। तो चीजें करने से होती हैं, मतलब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो कि जहाँ एक भी फैकल्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ होने नहीं दी गई। तो ये चीजें हैं कि अगर आप हैं कहीं पे तो आप कुछ कर सकते हैं, और नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। जो सर ने कहा कि लोग हमारे लोग कम होते जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो चीजें हैं कि अगर सही, अभी बहुत बड़ा एग्जांपल सर ने दिया, मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी जी सर आ रही है जी। अभी सर ने दिया कि बड़े बहुत बड़े पद पे थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और ये चीजें हैं। जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो उस समय देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि NFS कर लो, 5 साल बाद आया धुलने के लिए यूनिवर्सिटी में, स्पेशली कहता है कि ये पोस्ट पहले तो अवेलेबल नहीं होते थे, उसके बाद अवेलेबल होते हैं तो उनको कहते हैं कि NFS कर दीजिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग काफी एजिटेट करते हैं यहाँ पर, और प्रयास करते हैं कि NFS ना हो लोग। और क्योंकि एक्चुअल में पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी देखें तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता था, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि क्राइटेरिया ग्रेसफुली जो है वो हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड की जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अम्बेडकरवादी लोग जो हैं, जो नए अभी आ गए हैं, वो वहाँ पे नहीं आ पाए खाना पीना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप प्रयासरत हैं तो सब कुछ ले सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी सिस्टम में, यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम में अभी 13 पॉइंट हॉस्टल लगा दिया गया था, तो उसके विरोध में बहुत ही बड़े आंदोलन दिल्ली में भी हुआ, यहाँ भी लोकल बनारस में भी हुआ, सब जगह हुआ। उसका परिणाम है कि अब फिर से 200 पॉइंट रोस्टर आया, 200 पॉइंट रोस्टर आने के बाद जो है सभी पोस्टों को फिलअप किया गया, और वो सब प्रयास लगातार जारी है। तो लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे संघ से रिलेटेड जो अनुभव है और बुद्ध से रिलेटेड जो अनुभव है वो नई चीज है मेरे लिए। मैं अभी तो इन सर्विस हूँ, सीखने की कोशिश करेंगे, सब सुनेंगे, क्योंकि सुनना सबसे बड़ी पहली आवश्यकता है। जब आप सुनना सीख जाएंगे तो आप जानना सीख जाएंगे, और जानना सीख जाएंगे तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। तो ज्ञान पहले बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन के 3 डोमेन होते हैं, एक तो कॉग्निटिव डोमेन जिसको बोलते हैं, उससे अफेक्टिव डोमेन है, तो साइकोमोटर डोमेन होते हैं। तो तीनों डोमेन को हम साथ लेके चलेंगे तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन लर्न एंड वी कैन एक्सप्रेस अवर सेल्फ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपका और सभी को। जी जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।